इस सर्दियों के मौसम में अगर बिना फटे ऐसे मूली के स्टफिंग वाले पराठे आसानी से बन जाए तो मजा आ जाए, है ना। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज मैं स्टफिंग वाले मूली के पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आप इस प्रोसेस में मूली के पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे की स्टफिंग बिल्कुल भी पराठे से निकलेगा नहीं, और स्टफिंग पराठे के अंदर ऐसे ही अच्छे से स्प्रेड भी होगा और पराठा सॉफ्ट भी बनेगा। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मूली के स्टफिंग वाले पराठे की रेसिपी शेयर करें। और क्योंकि स्टफिंग वाले पराठे बनाते वक्त जो प्रॉब्लम अक्सर होती है कि पराठे फट जाती है, स्टफिंग बाहर निकल आती है, मूली से बहुत सारा पानी रिलीज करता है, और इन सभी वजह से पराठा अच्छा नहीं बन पाता, तो कुछ ट्रिक्स है जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे अगली बार जब भी आप मूली के पराठे बनाएंगे तो ना तो वो फटेगा, ना ही मूली पानी रिलीज करेगा और ना ही स्टफिंग बाहर निकलेगा, और पराठे भी बिल्कुल ढाबे वाले टेस्टी पराठे जैसा ही बनेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चैताली और आप देख रहे हैं स्वाद का खजाना। तो आइए शुरू करें बनाना। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से एक निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के मूली को ग्रेट कर ली है। ऐसे मीडियम साइज के मूली छील के अच्छे से धो के फिर ऐसे मीडियम छेद वाली ग्रेटर से ग्रेट करी है। इस मीडियम छेद वाली ग्रेटर से ग्रेट करने से ये मूली ना तो पूरा स्मैश्ड होगा और ना ही इसमें बहुत मोटा चंक्स रहेगा। अब इस ग्रेटेड मूली में करीबन 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। मूली में बहुत सारा पानी रहता है, ये नमक को मिलाने से वो सारा पानी निकल जाएगा। और अब इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। और तब तक चलिए पराठे के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ली है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और इसे अच्छे से आटे के साथ मिला देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ध्यान रखना, इस आटे को हमें सेमी सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनानी है। कोई भी स्टफिंग वाले पराठे बनाने के लिए हमें बहुत ही सॉफ्ट डो की जरूरत होती है, तो हमें भी यहाँ पे सॉफ्ट डो ही बनानी है। इसे स्टफिंग बहुत ही अच्छे से बॉल के अंदर स्टफ होता है और वो बेलते वक्त निकलने के चांसेस भी कम रहता है। और इस आटे में मोयन डालने की भी कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आटा है ये वैसे भी सॉफ्ट ही होती है। ये देखिए, सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लेंगे और आटे को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, इसे डो के ऊपर की परतें सूखेगा नहीं। अब इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये जो मूली को मैंने नमक मिला के रखी थी, इसको ऐसे निचोड़ के इसका सारा पानी निकाल देंगे और अलग एक बोल में रखते जाएंगे। नमक मिलाने से देखिए इससे कितना सारा पानी निकल रहा है। आप चाहे तो एक सूती के कपड़े में ये सारे मूली को रख के इसको अच्छे से निचोड़ के इसका सारा पानी भी निकाल सकते हैं। अब जैसे भी करें इस पानी को अच्छे से निकाल देना, क्योंकि अगर ये पानी मूली में रह जाएगा तो पराठे आप बेल नहीं पाओगे, पराठे फट जाएगा और पानी रिलीज करने से आटा गीला गीला सा हो जाएगा। तो पराठे के लिए ये पानी को निकालना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए कितना सारा पानी मूली से रिलीज हुआ है, और ये मूली भी देखिए कैसे खिला खिला सा दिख रहा है। पानी निकालने के बाद ये ग्रेटेड मूली मेजरिंग कप के 1.5 कप हुआ है। अब इसमें डालेंगे 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच पिसी हुई अदरक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन आधी छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 2 बड़ी चम्मच भुना हुआ बेसन। ये बेसन को मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर ली है, ये कच्चा बेसन नहीं है। और डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती। अब इन सारे चीजों को अच्छे से मिला देंगे। बेसन डालने से ये स्टफिंग का जो गीलापन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और बेलते वक्त भी ये स्टफिंग पराठे से निकलेगा नहीं। तो स्टफिंग हमारा बन चुका है। मैंने यहाँ पे और नमक नहीं डाली है, क्योंकि अभी अगर हम फिर से इसमें नमक मिलाएंगे तो ये फिर से पानी छोड़ने लगेगा। पहले जैसा उतना पानी नहीं निकलेगा, लेकिन स्टफिंग थोड़ा सा गीला सा हो जाएगा, और उसको एडजस्ट करने में अगर और बेसन डालेंगे तो मूली के पराठे में मूली का टेस्ट ही गायब हो जाएगा। अब इस ढक्कन को हटाएंगे और इस डो को एक बार मसल लेंगे, और अब इसे एक बड़ा सा लोई तोड़ लेंगे।
ये दो रोटी के लोई जैसे एक लोई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क के ऐसे उंगलियों से दबाते हुए गोल गोल घुमाएंगे और एक कटोरी जैसा शेप बनाएंगे। कटोरी को बनाते वक्त इन साइड्स को हम दबाते हुए घुमाएंगे। इसके बीच के ये हिस्से को थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, तो ऐसे घुमाते हुए इसे थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके बीच में एक से डेढ़ चम्मच स्टफिंग डालेंगे और एक से दो चुटकी नमक इसमें डालेंगे और ऐसे मिक्स कर देंगे। क्योंकि मैंने स्टफिंग में नमक नहीं मिलाई थी, तो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम हर पराठे की स्टफिंग में थोड़ा सा नमक ऐसे मिला देंगे। और अब इन साइड्स को ऐसे फोल्ड करते हुए इस कटोरी के मुंह को बंद करेंगे और एक पोटली जैसा बना लेंगे और इस मुंह को अच्छे से सील करेंगे ताकि स्टफिंग इससे बाहर ना निकले। ये देखिए, ये मुंह अच्छे से सील होना चाहिए। अब थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से और छिड़केंगे और ऐसे हाथों से साइड्स को घुमा घुमा के थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। आप ऐसे सरफेस के ऊपर भी रख के इसे हल्का हल्का सा दबाते हुए फ्लैट कर सकते हैं। इसे स्टफिंग अच्छे से अंदर इक्वली स्प्रेड हो जाएगा और बेलते वक्त पराठे फटने की चांसेस एकदम ना के बराबर रहेगा। अब इसे बेल लेंगे। पराठे बेलते वक्त भी हम इस साइड से ही इसे बेलेंगे, बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे और इसे हल्के हल्के से घुमाते हुए बेलेंगे। आप बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के इस पराठे को मत बेलना, इससे भी पराठे फट जाता है। स्टफिंग वाला कोई भी पराठा थोड़ा मोटा ही बनता है, तो इसे हम बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलेंगे। और बेलने के लिए आप ऐसे सूखे आटे का ही इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो ये पराठा हमारा बन चुका है। अब इसे सारे सूखे आटे को हम ऐसे झाड़ देंगे, इससे पराठे जलेगा नहीं। और ये देखिए पराठे का थिकनेस, तो आप भी पराठे का थिकनेस ऐसा ही रखना। अब इसे सेक लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैन को हल्का सा गर्म कर ली है। अब इस पराठे को इस पैन में ऐसे रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर नीचे की ओर से एक से दो मिनट सेक लेंगे। अब पराठे को पलटेंगे और इस दूसरे तरफ से भी और एक मिनट सेक लेंगे। अब फिर से पलटेंगे और ऊपर से एक से डेढ़ छोटी चम्मच तेल डालेंगे और तेल को ऊपर ऐसे स्प्रेड कर देंगे और ऐसे घुमा घुमा के दबाते हुए दोनों तरफ से पलट पलट के हम पराठे के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। पराठे सेकते वक्त फ्लेम को हमेशा मीडियम पर ही रखना, लो या हाई मत कर देना। इससे पराठा या तो अच्छे से नहीं सिकेगा या फिर जल जाएगा। और आप तेल की जगह पे घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पराठा और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये पराठा हमारा बन चुका है। अब इसे पैन से निकाल लेंगे और ठीक ऐसे ही बाकी के डो से सारे पराठे बना के फिर सेक लेंगे। दो कप आटे से यहाँ पे मेरी पांच पराठे तैयार हुई है। और हर पराठा सेकने के बाद आप जरूर पैन को ऐसे साफ कर लेना, नहीं तो पैन में जो आटा रह जाएगा वो जलने लगेगा और अगला पराठा अच्छा नहीं बनेगा। तो दोस्तों, मेरी ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और कोई भी आपकी सजेशन या फीडबैक या ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और ये भी बताना आपको कैसी रेसिपी देखना ज्यादा पसंद है या फिर अगली रेसिपी मुझे कौन सी करनी चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगी वही रेसिपी को आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इजी प्रोसेस में शेयर करने की। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।